हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? ठीक चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द आपको बताई हूँ। इन अक्षरों से बने वाक्यों को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको पढ़ना सिखाई हूँ और लिखना भी सिखाई हूँ। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोग इस हिंदी क्लास में पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे आज आप लोग? आ, आ की मात्रा वाले शब्द। बच्चों आपको मालूम है ना, आ से क्या होता है? आ से आम होता है। बच्चों आ से क्या होता है? आम। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को याद करवाया था। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आ की मात्रा कैसे लिखते हैं, कैसे देते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आ, आपको मालूम है ना ये क्या है? आ। और आ से बच्चों क्या होता है? आम। ठीक है, और आ की मात्रा बच्चों ऐसे देते हैं। ठीक है, ये है आ की मात्रा। ये क्या है बच्चों? आ की मात्रा ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे शब्दों में लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आ की मात्रा कैसे शब्दों में दो के लिखते हैं। जैसे बच्चों आपको लिखना है मा मा, क्या लिखना है? मामा। तो मामा कैसे लिखिएगा आप लोग? मौ, जो, मौ में आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ये है आ की मात्रा। ये क्या है? आ की मात्रा। ठीक है, जोड़ मौ, जो आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा मा और मा, मामा। ठीक है बच्चों, आप लोग देखें यहाँ आ की मात्रा दोनों जगह मौ के बाद लगा हुआ है, तो ये है आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, आ की मात्रा। इस तरह से शब्दों में आ की मात्रा लगा के शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखना है ताला, तो ताला कैसे लिखिएगा आप लोग? तो जो आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है, लौ जो आ की मात्रा। देखिए तो के बाद यहाँ आ की मात्रा दिया हुआ है, फिर यहाँ लौ है और लौ के बाद यहाँ आ की मात्रा दिया हुआ है। तो बच्चों इसे आप जब जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ताला, यहाँ ऐसे जुट जाएगा, ये आ की मात्रा यहाँ जुट रहा है, ता लौ, फिर यहाँ लौ के बाद आ की मात्रा ही जुट रहा है। ठीक है, मैं इसे हाई लाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ये हो गया बच्चों ताला। ठीक है, आप लोगों ने जाना कि आ की मात्रा कैसे लगते हैं, आ की मात्रा को कैसे लिखते हैं और इसे शब्दों में कैसे जोड़ के शब्द बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को 10 शब्द आ की मात्रा वाले याद किया पे याद करूंगी। ये आप है चावल, तो च के बाद बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि आ की मात्रा जुटा हुआ है, ये सब क्या पढ़ेंगे? चावल, चावल। काजल, क के बाद यहाँ आ की मात्रा जुटा हुआ है बच्चों, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसे हाईलाइटेड कर दे रही हूँ, काजल। बादल, बादल में ब के बाद यहाँ आ की मात्रा जुटा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे बादल। सागर, सागर में आ की मात्रा यहाँ जुटा हुआ है, सागर। बालक, व के बाद यहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हो गया बालक। चा, चा, च के बाद आ की मात्रा लगा हुआ है, फिर यहाँ भी च के बाद आ की मात्रा लगा हुआ है, ये हो गया चा, चा। चादर, च के बाद यहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है, दो और चादर। अनार, यहाँ नौ के बाद आ की मात्रा लगा हुआ है बच्चों, तो इसे पढ़ेंगे अनार। जल,
ज के बाद यहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है और गजल गाजर। ग के बाद आ की मात्रा यहाँ लगा हुआ है गाजर गाजर। फिर मैं आपको एक बार इसे याद करवाती हूँ, चावल काजल बादल सागर बालक चाचा चादर अनार जाल और गाजर। इस तरह से बच्चों पहले आप लोग दश आ की मात्रा वाले शब्द आप लोग मुझे याद करके सुनाएंगे और इसे लिख के भी दिखाएंगे, इसे आप लोग लिखना भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आ की मात्रा से बने शब्द। माला इधर आ, माला इधर आ, ठीक है। लता, लता खाना बना, लता खाना बना। आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कहाँ कहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ क के बाद, यहाँ ख के बाद और यहाँ न के बाद, तो यहाँ भी न के बाद, ठीक है। लता खाना बना, गाजर का हलवा बना, हलवा बना कर बाहर जा, माता का कहना मान। माता मतलब होता है माँ, मम्मी को माता कहते हैं हिंदी में। माता का कहना मान, अपना अपना सामान उठाकर रख। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से पढ़ते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। मैं एक और आपको पढ़ के बताऊंगी, माला इधर आ, लता खाना बना, गाजर का हलवा बना, हलवा बनाकर बाहर जा, माता का कहना मान, अपना सामान उठाकर रख। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका आज का हिंदी क्लास आ की मात्रा वाले शब्द। तो आप लोगों ने जाना आज कि आ की मात्रा कैसे लिखते हैं। आ की मात्रा मैं आपको बताई हूँ पहले, आ की मात्रा कैसे लिखते हैं, ये है आ की मात्रा, और आ की मात्रा कैसे शब्दों में लगाते हैं, कैसे शब्दों में जुड़ के बनाते हैं। और आ की मात्रा वाले मैंने 10 शब्द भी आज आपको याद करवाया है, और आ की मात्रा से बने वाक्यों को मैं आपको आज पढ़ना सिखाया है और आप लोग लिखना भी सीखे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो भी वर्क दिया गया है, जो भी आपको काम दिया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप फटाफट अपनी हिंदी कॉपी निकालिए और अपनी हिंदी किताब निकालिए और आ की मात्रा वाले शब्द याद कीजिए और आ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़कर अपना वीडियो बनाइए। वीडियो बना के मुझे जल्दी से आपको सेंड कीजिए ताकि मैं देखूं आपको कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग को पढ़ना आ रहा है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के हिंदी क्लास में मैं इतना ही रहने दूं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और दूसरा सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।